जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जिस मनुष्य को जीवन में कष्ट मिला हो और वो कष्ट भी तंत्र विद्या से मिला हो, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई बालक उत्पन्न होता है उसके पहले 3-4 बालक की मृत्यु हो जाती है और फिर किसी स्त्री के विवाह के साथ ही बहुत सारी तंत्रात्मक आत्माएं आ जाती हैं, यानी कि वो स्त्री पिछले जन्म में पापिन स्त्री रही हो तो उसके साथ जो आत्माएं रहती जिसके ऊपर उसने पिछले जन्म में जुल्म किया, ऐसी स्त्री जब विवाह होकर के आपके घर में आ जाती है तो कष्ट पर कष्ट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं फेरे में आ जाती हैं। चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुए हो, चाहे ब्राह्मण कुल में हो, वैश्य कुल के अंदर हो या किसी अन्य कुल में उत्पन्न हुए हो, कष्ट अवश्य प्राप्त होगा। तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि ऊपरी बाधा से ग्रस्त स्त्री या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऊपरी बाधा जिसको लग जाती है वो विवाह के बाद बहुत जल्दी मर जाता है, क्योंकि फेरे में वो चीज़ें आ जाती हैं और फिर उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और होते हैं तो पैदा होकर के मरते जाते हैं। ये भी सत्य घटना मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कई घर हमने देखे, कई घर जिसकी गिनती नहीं है, कि एक स्त्री जब आ जाती है तो वो पूरे घर को तहस नहस कर देती, क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भैया बहुत सोच समझ करके विवाह करो। जैसे कोई मूल नक्षत्र में पैदा हो जाती, गंड मूल नक्षत्र में पैदा हो जाती कोई स्त्री लड़की या नहीं, तो वह जहाँ भी या तो कभी माँ पे भारी होती, कभी पिताजी पे भारी होती, कभी सास पर भारी होती, कभी ससुर पर भारी हो जाती, कभी देवर पर भारी होती है, तो कभी जेठ पर भारी हो जाती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। फिर जिसके ऊपर भी भारी होती है उसकी मृत्यु निश्चित है, 1-2 साल के अंदर मौत मृत्यु वह काल के घास में चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है तंत्र विद्या की वजह से, और मुस्लिम तंत्र की वजह से भी होता है, हिंदू तंत्र की वजह से भी होता है, और यह सब पिछले जन्म का पाप कर्म होता है। हर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र नहीं लगता है, और बच्चे होते हैं तो बच्चे पे बच्चे मरते जाते मतलब जेंट्स लड़के लड़के ही मरते, लड़कियाँ अक्सर नहीं मरती हैं। और कई बार विवाह भी टूट जाता है, स्त्री अलग हो जाती है, और जब मनुष्य कष्ट देखते देखते झेलते झेलते जब भगवान की शरण में जाता है, अंतिम चीज वही है भगवान का नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम हनुमान, श्री राम हनुमान, जय जय श्री राम, जय हनुमान, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे क्रीम कालिकाय नमः हम हनुमते नमः, ये इस तरफ चले जाते हैं। कोई काली माँ की तरफ चला जाता है, कोई दुर्गा माँ की तरफ चला जाता है, कोई भैरव जी की ओर चला जाता है, कष्ट झेलते झेलते भगवान की शरणागति में जाता है, अंतिम समय पे जाता है, जब वो हर तरीके से खाली हो चुका होता है, धन से भी, तन से भी, मन से भी और शरीर से भी, तब उसको जिसकी पूजा करता है, साधना करता है, उसको ध्याता है, नाम लेते रहता है, उसके दर्शन उसको स्वप्न में होने लगते हैं। और कई बार देखा है कि एक स्त्री सपने में आती है, वो उस बालक को भोजन कराती है, कई बार स्तनपान कराती भी है। ऐसा भी सुनने में आया है कि सपने के अंदर बहुत सी स्त्रियों ने उस जिसको स्वप्न देख रहा है अपने आप को
वो उस महिला के स्तन से दूध पी रहा है, ऐसा भी सपना आया है। और कई बार ये भी हुआ कि एक स्त्री आती है, खाना लेकर के आती है और उसको खाना खिलाती है और उसका सपना टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि आप जिस देवी जी को पूजते हो, जिस देवी जी का ध्यान करते हो, वह देवी आपको भोजन करा रही है ना, इसकी विशेष कृपा है। और ज़्यादा आपको जप तप करना चाहिए, उसका हवन करना चाहिए, अनुष्ठान कराना चाहिए। और जो चीज़ आपको खिला रही, आप थाना देख रहे हो, तो भोजन से ही हवन करो। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं? तो हमने एक साधना स्थली बनाई हुई है और साधना का प्रशिक्षण केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पर साधना करने से संबंधित सभी प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है, केवल साधक लोगों के लिए। वह आकर के साधना कर सकते हैं और अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। साधना करने के लिए पीपल का वृक्ष चाहिए, नदी चाहिए, मंदिर चाहिए, हनुमान जी का मंदिर चाहिए, भैरव जी का मंदिर चाहिए, शिव जी का मंदिर चाहिए, कुआं चाहिए, आंवले का वृक्ष होना चाहिए, बेलपत्ती का वृक्ष होना चाहिए, आम का वृक्ष होना चाहिए, सब कुछ उपलब्ध है। तुलसी का पौधा भी होना चाहिए, वो भी उपलब्ध है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करे, कुछ सेक्रीफाइस करे। कुछ चीज़ प्राप्त करना हो तो कुछ त्याग करना पड़ता है। एक बालक भी जब पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, तो वहाँ फीस देता है, स्कूल की फीस देता है। कोचिंग क्लास जाता है तो वहाँ भी फीस देता है। यानी ज्ञान प्राप्त करता है तो कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में पैसा तो देना पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार से जो हमने साधना स्थली बनाई है, उसके भी कुछ नियम हैं। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और जिसकी साधना अटक रही हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको दिशा निर्देश नहीं मिल रहा हो, जिसको राह नहीं मिल पा रही हो साधना की लाइन में, वो संपर्क कर सकता है। हम एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में आपको बता देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे आगे बढ़ना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो मनुष्य को जब देवी देवता के सपने आने लग जाते हैं, तो उसे उपवास करना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए, देवी पुष्पांजलि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते। ये वाली स्तुति जो व्यक्ति रोज गाता हो, रोज पढ़ता हो, चाहे देख करके पढ़े, सुने, साथ साथ गाए, तो उसके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, यानी देवी कृपा प्राप्त होने लग जाती है। जिस मनुष्य को भी देवी कृपा चाहिए, चाहे वो लक्ष्मी जी की हो, चाहे सरस्वती जी की हो, चाहे काली माँ की हो, चाहे दस महाविद्या की हो, या चाहे कुल देवी की हो, इस स्तुति को जो भी व्यक्ति रोजाना पाठ करता, रोजाना एक शब्द बोल रहा हूँ, प्रतिदिन, और यदि दिन में दो बार कर लो सुबह शाम, तो कृपा निश्चित तौर से प्राप्त होगी ही होगी। यदि किसी के पास ये पुष्पांजलि स्त्रोत नहीं हो, तो यूट्यूब पर चेक कर लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें, फेसबुक पे ले लें, और फिर भी नहीं हो तो हमसे मांग सकते हैं, हम आपको दे देंगे। बिल्कुल दिल से इसको गाना है, घी का दीपक अवश्य लगाना है, और पाठ करने के बाद में दो लौंग कपूर के ऊपर अवश्य जला दीजिए, माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जिनके लड़के और जिनके लड़कियां गलत राह जाने की संभावना है, उनसे भी ये पाठ करवाइए, वो गलत राह जाना बंद कर देंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और जो मनुष्य, जो बालक गलत राह जाता है, सही राह जाने के लिए हमने एक तावीज़ तैयार किया है। आप चाहें तो वो तावीज़ और यंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लागत और कीमत केवल 600 रुपये है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।